आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। 29 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवादित स्थल मसले पर सुनवाई शुरू हो रही है, जिस पर बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कोर्ट की सुनवाई का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मसले पर फैसला उनके पक्ष में आएगा। इकबाल अंसारी ने अपील करते हुए कहा कि फैसला जो भी हो, दोनों पक्षों को इसका सम्मान करना चाहिए। कि मसला बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का, ये लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुनवाई शुरू होने जा रही है। सुनवाई शुरू जो करेंगे वो भी हिंदुस्तान के ही जज हैं, विदेश से नहीं आए हैं। जजों के ऊपर हिंदुस्तान जो लोग इसमें लगे हुए हैं, इनको हिंदुस्तान के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि अदालतें हिंदुस्तान की हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं। भरोसा लोग करें कोर्ट पर, जो भी फैसला आएगा वो हिंदू मुसलमान को मानना चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी एक कार्यक्रम में शिरकत करने मुजफ्फरनगर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे सबको अच्छा लगे। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या और कानून व्यवस्था के सवाल पर वो बचते नजर आए। तो जो सामान्य लोग हैं उसकी पृष्ठभूमि में अपना व्यवहार बदलते जाएंगे और उस व्यवहार के बदलने के कारण समाज में विसंगतियाँ पैदा होंगी, संघर्ष पैदा होगा, द्वेष पैदा होगा, कलह पैदा होगा। इसलिए मैं सबसे, समाज के हर वर्ग से, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे और कहीं हो, कि कम से कम अपने व्यवहार में, अपने बातचीत में भाषाई मर्यादा को जरूर पालन करो और मर्यादित शब्दों का ही प्रयोग करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा कहने वाले का भी स्तर ऊँचा रहेगा, सुनने वाले का भी स्तर ऊँचा रहेगा और दूसरों के लिए भी ये शिक्षा मिलेगी कि अपनी बात को बहुत ही संयमित ढंग से कहना चाहिए। मऊ के डीसीएस केपीजी कॉलेज छात्र संघ चुनाव के चलते हुई फायरिंग और अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के बीच मारपीट के बाद कॉलेज प्रशासन ने वैधानिक जांच में एक प्रत्याशी का पर्चा निरस्त कर दिया। अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी रणधीर यादव का पर्चा निरस्त हुआ है। गौरतलब है कि उनके ऊपर अदालत में वाद होने की वजह से उनका नामांकन लिंग 2 नियम के तहत निरस्त किया गया है। ग्रेटर नोएडा वेब सिटी में मुआवजे की मांग को लेकर धरना कर रहे किसानों को प्रशासन ने लाठीचार्ज करते हुए जेल भेज दिया था, जिसके बाद कचेड़ा गांव के लोगों ने भाजपा नेताओं की एंट्री गांव में बंद कर दी है। गौरतलब है कि इस गांव को बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने गोद लिया था। ग्रामीणों ने गांव के बाहर बोर्ड लगाया है कि बीजेपी वालों का आना सख्त मना है। फरीदाबाद डिपो पर रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके बाद एक दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। रोडवेज अधिकारियों ने 11 दिन में फरीदाबाद डिपो पर करीब 2 करोड़ के नुकसान की बात कही है। उन्होंने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती के आरोपों का भी खंडन किया। आगरा के पिनाहट स्थित चंबल घाट पर बिना वन विभाग की परमिशन के चल रहे पंटून पुल के वेल्डिंग कार्य को वन कर्मियों ने रुकवा दिया, जिससे पुल बनने में और देरी होगी। दरअसल लोक निर्माण विभाग पिनाटन घाट पर 15 अक्टूबर से 15 जून तक इस पुल को बनाता है, लेकिन इस बार देरी के चलते ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। शामली के कांदला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर तो जरूर आते हैं, लेकिन वो मरीजों का उपचार नहीं करते, और अगर एक दो मरीजों को देख भी लेते हैं तो उनको दवाई लिख दी जाती है। मरीज जब दवाई लेने के लिए फार्मासिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ भी दवाई खत्म होने का हवाला देकर भगा दिया जाता है। ताज़ा मामले में वृद्धा अस्पताल में शुगर की दवाई लेने पहुंची तो वहाँ पर घंटों इंतजार के बाद डॉक्टर ने पर्चे पर दवाई लिख दी, लेकिन उसको ये कहकर भगा दिया गया कि यहाँ दवाई नहीं है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।